बोफोर्स की जो रेंज है करीबन 30 से 35 किलोमीटर के 155 एमएम की हेवी बोफोर्स तोप है, और काफी लंबे समय से भारतीय सेना इसका इस्तेमाल कर रही है। करगिल में ये वही गेम चेंजर है जिसने पहाड़ियों से हमारे दुश्मन को नीचे आने को मजबूर किया और पहाड़ियों पर ऐसा सपाट किया कि वो कभी हमारी टेक्टिकल पोजीशन पे वो काबिज ही न रह पाए। आज हम इसी एलएसी के ऊपर मौजूद है और मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि कैसे इस बोफोर्स तोप का जो एक इसकी 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 मेंटेनेंस की जा रही है, और ये फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशंस के ऊपर ये मेंटेनेंस की जा रही है ताकि इनका इस्तेमाल जो है वो इन लोकेशंस पर की जानी, यानी 15,000-20,000 की ऊंचाई पर, फीट की ऊंचाई पर इनका इस्तेमाल कैसे करना है। आप एलएसी पर बोफोर्स की तैनाती के कई मायने हैं। भारत नहीं चाहता है कि चीन कोई भी चालबाजी में कामयाब हो, ड्रैगन को धोखा देने का कोई मौका मिले, और चीन अगर ऐसी हिमाकत करे भी तो जवाब बोफोर्स का गोला दे। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, एलएसी पर ऐसे ऐसे हथियार और गन पहुंच चुके हैं जिसका तोड़ चीन के पास नहीं है। इसी में से एक है एयर डिफेंस गन। इसके घातक अटैक से 5,000 फीट की ऊंचाई तक मिसाइल और एयरक्राफ्ट तबाह हो जाएंगे। अगर दुश्मन इसकी फायरिंग रेंज में आया तो उसकी खैर नहीं। TV9 भारतवर्ष एलएसी के फॉरवर्ड पोस्ट से एयर डिफेंस गन की सीधी तस्वीर आपके लिए लेकर आया है। एयर डिफेंस गन्स को किस तरीके से तैयार किया जा रहा है, यानी असेंबल किया जा रहा है हमारी यहाँ की सुरक्षाओं के लिए, और एयर डिफेंस गन यानी ये वो गन्स होती हैं जो रिपेयर्स इनकी रिपेयर किया जाता है और इनको यहाँ पर लिया जाता है, और 23 mm का है ये, और इसका जो रेंज होता है वो करीब करीब 3 से 5 किलोमीटर का होता है। और ये रेंज इसलिए क्योंकि अगर हवा में अगर आपके अगर सर्वेलेंस में कोई चीज़ ना आ पाए और आपके रडार पे कोई ड्रोन्स आ रहा है, ड्रोन के लिए बहुत कारगर है, यानी कोई ड्रोन अगर आपके इंस्टॉलेशन के बहुत करीब है 2 से 3 किलोमीटर अगर आपको वो मॉनिटर कर रहा है तो उसको मार गिराने की इसमें क्षमता होती है। एयर डिफेंस गन्स का महत्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत इस बार की सर्दी में एलएसी पर 1962 की गलती दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि चीन का चाल चरित्र और चेहरा सब कुछ आज भी वैसा ही है, उसकी हड़प नीति भी वैसी ही है, लेकिन हिंदुस्तान अब पहले जैसा नहीं है, इसलिए हिंदुस्तान एलएसी पर हथियार और सैनिक बढ़ा रहा है। मैसेज क्लियर है कि अब ड्रैगन ने कोई भी हिमाकत की जरा से भी जरूरत की तो आर पार होना तय। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।